सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल में आखिरकार भारत ने इस मैच में फतेह पा ली है। कंगारुओं की ऐसी हालत बनाकर उन्हें हराया कि वह सदियों तक इस मुकाबले को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आपको बताते हैं कि चौथे दिन कैसे अपने चमत्कार से भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले को जीता। तो दोस्तों दूसरे और तीसरे दिन में अपनी शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया की टीम की बैंड बजाने के बाद भारतीय टीम ने चौथे दिन भी कुछ ऐसा ही किया। आपको बता दें कि चौथे दिन की शुरुआती भारतीय टीम की खतरनाक रफ्तार से हुई, मतलब कि बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के सभी अहम विकेट शुरू में गिरा दिए। बुमराह ने जहां पैट कमिंस का विकेट लिया तो वहीं मोहम्मद सिराज ने ग्रीन जैसे खिलाड़ियों को 45 रन पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया की टीम की बल्लेबाजी में तो सारी उम्मीदें पस्त कर दी थी। इसके बाद आगे चलकर सिराज ने एक और विकेट लिया और रविचंद्र अश्विन ने आखिरी विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट कर दिया था। शर्म की बात तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए यह है कि उन्होंने भारतीय टीम को लक्ष्य दिया तो मात्र 70 रनों का। और दोस्तों इस लम्हे के बाद तो एक समय पर सबको ऐसा लगने लगा कि पहले टेस्ट मैच का समय खून कर वापस आ चुका है, क्योंकि जो दशा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उस समय भारतीय टीम की करी थी वही आज अजिंक्य रहाणे की सेना ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ किया। खैर दोस्तों आपको बता दें कि 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारत की शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ थी। इस बार मैदान पर मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल दोनों ही बल्लेबाज काफी ज्यादा अच्छी लय में नजर आ रहे थे। बड़े ही स्मूथ तरीके से भारतीय टीम की पारी पांचवें ओवर में प्रवेश कर चुकी थी। 16 रन पर कोई विकेट नहीं था कि फिर भारतीय टीम को पहला झटका लगा मयंक अग्रवाल के रूप में। दोस्तों आपको बता दें कि प्रेशर में आकर मयंक अग्रवाल एक बार फिर से 15 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। के बाद शुभमन गिल तो अच्छी लय में नजर आए, उन्होंने बाउंड्रीज भी लगाई और उनका साथ देने आए थे मैदान पर अब एक्सपीरियंस बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा। लेकिन आज तो मैदान में चेतेश्वर पुजारा का भी बल्ला पूरी तरीके से खामोश रहा। दोस्तों छठे ओवर में चेतेश्वर पुजारा भी कैच आउट हो गए थे, उनकी पारी बस 3 रनों पर समाप्त हो गई थी। लेकिन अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान में आ चुका था असली शेर, यानी कि भारतीय टीम का कप्तान अजिंक्य रहाणे। और दोस्तों फिर क्या होना था, ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी बस मैदान पर खड़े होकर देख रहे थे और हमारी टीम के बल्लेबाज यानी कि रहाणे और शुभमन गिल बढ़िया तरीके से शॉट लगाकर बड़ी ही आसानी से 70 के पास पहुंच रहे थे। आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे ने कोई भी जल्दबाजी ना करते हुए पहले अपने आप को क्रीज पर सेट किया, एक समझदार लीडर की तरह 15 गेंदे खेलकर मात्र 8 रन लगाए थे। लेकिन दोस्तों इन्हीं 8 रनों से प्रेशर अब ऑस्ट्रेलिया की टीम पर था। दूसरी छोर से शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में बल्लेबाजी करते रहे, 17 गेंदे खेलकर अब उनके 20 रन हो चुके थे और भारतीय टीम को जीतने के लिए मात्र 34 रन चाहिए थे। और इस समय पर तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ियों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी है, क्योंकि दोस्तों उस समय कंगारुओं के चेहरों पर हार का डर था। इसी डर को साबित किया आज भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ी ही आसानी से। आगे चलकर फिर अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल और भारत के बाकी बल्लेबाजों ने इस मुकाबले को आसानी से जिता दिया। दोस्तों वाकई में तारीफ करनी होगी अजिंक्य रहाणे की, एक सच्चा कप्तान क्या होता है उन्होंने इस मुकाबले में पूरे भारत देश को बताया है। न सिर्फ अपनी टीम के लिए एक सेंचुरी मारी बल्कि टीम को जिताकर वापस लौटे। शुभमन गिल की भी बल्लेबाजी की तारीफ तो करनी बनती है, डेब्यू मैच में ही इस बल्लेबाज ने दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। नहीं दोस्तों गेंदबाजों की भी तारीफ बनती है, मुकाबले में बुमराह और सिराज का तूफान भी बहुत अहम था, साथ ही साथ जडेजा और अश्विन का भी विकेट लेना सबको याद रहेगा। लेकिन सबको याद रहेगी रहाणे की शानदार कप्तानी जिसने मैच जिताया। और दोस्तों भारतीय टीम की इसी ऐतिहासिक व शानदार जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों सेकंड इनिंग्स में विकेट लेने की शुरुआत करी थी उमेश यादव और रविचंद्र अश्विन ने, और फिर आगे चलकर तीसरे दिन के खेल में बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के वह एक से बढ़कर एक विकेट निकाल दिए, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का जीतना लगभग ना के बराबर था। और आज जब चौथे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो वह पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रही, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह शायद भारतीय टीम को जिताने के मकसद से ही मैदान पर आज उतरे थे। आपको बता दें कि शुरुआती कुछ ओवर्स तक तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पैट कमिंस और ग्रीन ने मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बना ली थी, लेकिन फिर पारी के 83वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का एक ऐसा तेज तूफान आया कि पैट कमिंस ने वही घुटने टेक दिए थे, क्योंकि दोस्तों दिन की शुरुआत होने में तो जसप्रीत बुमराह अच्छे से पेश आ रहे थे, लेकिन फिर 83वें ओवर की 5वीं गेंद को बुमराह ने अचानक से एक तेज तर्रार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी में तब्दील कर दिया। गेंद की रफ्तार को देखकर ही पैट कमिंस बुरी तरीके
से चौंक गए और इससे पहले कि वह समझ पाते कि वह गेंद पर कौन सा शॉट खेले, गेंद उनके बल्ले पर लगकर सेकंड स्लिप में खड़े मयंक अग्रवाल के पास चली गई। तो दोस्तों फिर पैट कमिंस का विकेट भारतीय टीम को 22 रनों पर आखिरकार मिल गया। यह तो बात थी जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने पैट कमिंस जैसे अहम विकेट को दिलाया। इसके बाद मोहम्मद सिराज का भी तूफान आना बाकी था। 200 कमिंस के आउट होने के बाद मैदान में खिलाड़ी ग्रीन भी पूरी तरीके से सेट थे। 140 गेंदे खेलकर ये अपनी पारी में 40 से ज्यादा रन लगा चुके थे, परंतु फिर पारी के 91 ओवर को डालने के लिए बुलाया गया मोहम्मद सिराज को। यह खिलाड़ी लगातार चौके मार रहा था और मोहम्मद सिराज परख चुके थे कि यह बड़े शॉट ही खेलेंगे, जिसके बाद उनको इसी तरीके से फंसाते हुए मोहम्मद सिराज ने इस ओवर की आखिरी गेंद को एक स्लोअर डिलीवरी में तब्दील कर दिया और इस गेंद पर अब शॉट खेलने के लिए बल्लेबाज ग्रीन पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके थे। उन्होंने बल्ला तो घुमाया लेकिन उसमें इतनी रफ्तार नहीं थी, जिसके बाद गेंद उनके बल्ले पर लगकर डीप मिड विकेट पर खड़े जडेजा के पास चली गई और जडेजा इतने आसान कैच तो नहीं छोड़ते। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को सबसे अहम ग्रीन का विकेट 45 रन पर मिला। यह कहना गलत नहीं था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को लगभग जीत चुकी थी, क्योंकि भारतीय टीम को लक्ष्य मिल रहा था बस 46 रनों का और ऑस्ट्रेलिया की टीम के 9 विकेट गिर चुके थे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पारी के 97 ओवर में तो मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक और झटका दिया था, जब उन्होंने नेथन लायन का विकेट टीम को दिलाया था। आपको बता दें कि कंगारुओं की टीम का जब 9वां विकेट गिरा तो भारतीय टीम को बस 54 रनों की ही लीड मिली थी। ऐसे में दोस्तों यह कहना गलत नहीं कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिलकर आज दिन के खेल की शुरुआत में ही अपनी टीम को जिता दिया था। और वाकई में तारीफ करनी होगी दोस्तों बुमराह और मोहम्मद सिराज की, क्योंकि पैट कमिंस बल्लेबाजी करना जानते थे और खिलाड़ी ग्रीन भी मैदान पर सेट थे, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने मिलकर टीम को वह विकेट दिलाया जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और मुकाबले में टीम को जिताया। लेकिन आप सभी बुमराह और मोहम्मद सिराज की मैच जिताऊ गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि पहले और दूसरे दिन में कोहराम मचाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जलवा तीसरे दिन में भी जारी था। तीसरे दिन के खेल की शुरुआत भारत की बल्लेबाजी से हुई और भारतीय टीम फिर जाकर 326 पर ऑल आउट हुई, क्योंकि कंगारुओं को पूरे 131 रनों की बढ़त का सामना करना था और फिर लीड चढ़ानी थी भारतीय टीम पर। लीड चढ़ाना तो दूर, बल्कि आज कंगारुओं को तो वह सपने भी देखने नहीं दिए हमारी टीम के गेंदबाजों ने। रविचंद्र अश्विन और उमेश यादव ने मिलकर सलामी जोड़ी को पहले पवेलियन पहुंचा दिया और फिर इसके बाद बचा कुचा काम तो जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने करके दिखाया। आपको बता दें कि 99 रन पर ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के 6 विकेट गिर चुके थे, मतलब कि अभी भारतीय टीम की लीड उतरी भी नहीं थी कि आधी टीम ऑस्ट्रेलिया की पवेलियन में जाकर बैठ चुकी थी। सब कुछ मुमकिन हुआ तो हमारी टीम के खिलाड़ियों की शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे तैसे रेंगते हुए 133 तक पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आज के दिन का खेल जब चल रहा था तो मैदान में और भी कई रोमांचक वाक्य हुए, ऐसे कि ऋषभ पंत और खिलाड़ी मैथ्यू वेड की भिड़ंत। आपको बता दें कि मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर हैं। ऋषभ पंत की तो आदत है कि विकेट के पीछे से वह हमेशा हंसी मजाक करते हैं, अपने गेंदबाजों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें दर्शाते हैं और बताते हैं कि कहां उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए और कौन सा खिलाड़ी निकल कर रन मारेगा या फिर नहीं। कुछ ऐसा ही आज इन्होंने मैथ्यू वेड के साथ भी किया, लेकिन वह शायद थोड़ा ज्यादा हो चुका था। मैथ्यू वेड ऋषभ पंत की हरकतों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके थे और मैदान में वह उनसे भिड़ते हुए भी नजर आए। आपको बता दें दोस्तों कि मैथ्यू वेड ने तो पीछे मुड़कर पहले रावण की तरह हंस के ऋषभ पंत का मजाक बनाना चाहा, उसके बाद उन्होंने ऋषभ पंत पर यह तंज कस दिया कि तुम्हारा वेट तो 25 किलो ज्यादा है, अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देखकर हंस रहे हो क्या। ऋषभ पंत ने इस बात को पूरी तरीके से